दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी को आइवरमेक्टिन सॉल्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देने वाला हूं कि आइवरमेक्टिन जो है वो किस तरीके से लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, कैसे ये वर्क करता है और किस किस फॉर्म में हमें मार्केट में ये मिलता है। ये बहुत सारे प्रश्न आइवरमेक्टिन के आप लोगों के आ रहे थे। तो देखिए भाई, आइवरमेक्टिन जो सॉल्ट है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये किस तरीके का है। एक्चुअली ये एक प्रकार का पैरासिटिसाइड्स है। पैरासिटिसाइड्स का मतलब ये पैरासाइट को मारता है। लेकिन कौन से पैरासाइट को मारता है? ये प्रमुखतया दो प्रकार के पैरासाइट्स को मारता है, जिनमें से नंबर वन है एंडोपैरासाइट्स और दूसरा है एक्टोपैरासाइट्स। भाई बात अगर हम पैरासाइट्स की करें तो भाई बहुत सारे पैरासाइट्स हमारे पशुओं को परेशान करते हैं, बहुत सारे। अब पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट का मतलब परजीवी। परजीवी का मतलब है कि हमारे पशु के ऊपर आकर के बैठ जाएंगे और उनका खून, उनका जो भी न्यूट्रिएंट है, अपने पोषक तत्व जो उनको चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पशु से लेते हैं। इस वजह से हमारे पशु को ये कमज़ोर कर देते हैं और कई बार तो भाई बहुत सारी बीमारियां भी एक पशु से दूसरे पशु में लेकर के आ जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, नो डाउट, ये तो बात एकदम से जग जाहिर है। लेकिन इन खतरनाक जो पैरासाइट्स हैं, इनमें से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब शरीर के अंदर रहने वाले पैरासाइट, अंदर कहीं पर भी हो सकते हैं। सेकेंड है और वो है एक्टोपैरासाइट, यानी शरीर के बाहर लगते हैं और बाहर लग करके और ये खून चूसते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक। तो आइवरमेक्टिन जो साल्ट है, इन दोनों पर काम करता है। यानी आइवरमेक्टिन साल्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक्टोपैरासिटिसाइड्स भी है तो एंडोपैरासिटिसाइड्स भी है, यानी ये दोनों तरीके से काम करता है। एक्टो और एंडो दोनों प्रकार के पैरासाइट्स को मारने का काम आइवरमेक्टिन साल्ट करता है। यानी ये एंथेलमेटिक ग्रुप के एंडो एक्टो पैरासिटिसाइड्स के रूप में जाना जाता है। अब मेनली जो आइवरमेक्टिन है भाई, वो किन किन पैरासाइट पर काम करता है, ये भी एक बात सोचने की है। तो सबसे प्रमुख ये राउंड वर्म पर काम करता है, यानी गोल कर्मी जितने भी हैं उन पर ये बहुत गजब का काम करता है। इसके अलावा ये आई वर्म जो होते हैं, आंखों में वर्म्स होते हैं, उन पर काम करता है। तो ये लंग वर्म भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंडोपैरासाइट्स हैं जिनको ये आइवरमेक्टिन अकेला मारता है। अकेला आइवरमेक्टिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन अभी फील्ड में रिजल्ट क्यों कम मिल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि आइवरमेक्टिन के बहुत सारे ऐसे जो कम असर करने वाले ब्रांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सस्ते के चक्कर में कई भाई लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से आइवरमेक्टिन का जो रिजल्ट है वो अभी के परिवेक्ष्य में कम मिल रहा है। लेकिन अगर अच्छा ब्रांड यूज़ किया जाए, मैं अभी आपको कुछ ब्रांड्स भी बताऊंगा, अच्छा ब्रांड यूज़ किया जाए तो भाई ये समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि इसको आप लगाएंगे कितना। तो देखिए, अगर हम लगाने की बात करते हैं तो लगाने में इसको लगाया जाता है 0.2 mg, याद रखिए 0.2 mg प्रति केजी बॉडी वेट, यानी एक किलो के ऊपर आपको 0.2 mg लगाना होता है। अब ये मार्केट में मिलता किस किस तरीके से है, किस तरीके से लगाया जाता है, पहले ये कर लेते। तो ये जो है वो अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में है तो हमेशा ही चमड़ी में लगाया जाता है, यानी सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, जिसको हम SC कहते हैं, ठीक है। तो चमड़ी में लगाया जाएगा, नंबर वन। इसके अलावा ये जिस फॉर्म में भी आता है भाई, ये बहुत सारी फॉर्म में मिलता है। नंबर वन, अगर हम इंजेक्टेबल फॉर्म की ही बात करें तो इंजेक्टेबल फॉर्म में ये 10 mg/ml की फॉर्म में भी मिलता है, यानी 1 ml में 10 mg वाले बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 31.5 mg पर केजी पर ml में भी ये मिलता है, यानी 31.5 mg पर केजी ये पर ml में भी ये मिलता है, तो वो भी है। अब अगर हम 10 mg के ब्रांड की बात करें तो भाई बहुत सारे ब्रांड मार्केट में हैं, जिनमें से अगर कुछ देखें तो मैक्टिन जो आता है बहुत अच्छा है, हाईटेक ब्रांड है वो भी बहुत अच्छा है, नियोमेक ब्रांड है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे ब्रांड 10 mg में आते हैं। तो कुछ ब्रांड जैसे हाईटेक प्लेटिनम हो गया, तो हाईटेक प्लेटिनम जो है वो 31.5 mg/ml वाला है, तो ये भी
मतलब तीन गुना उसकी स्ट्रेंथ हो गई है। लेकिन डोज की अगर हम बात करें तो मैं आपको हर एक इंजेक्शन के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना करके बताऊंगा कि भाई इसको आप कब लगाएं, कब ना लगाएं, कितना लगाएं, ये सारी बातें हम जब अलग अलग वीडियोस देखेंगे ना तो उनमें हम क्लियर कर लेंगे। जितने भी ब्रांड बोले हैं उन पर आपको अलग अलग मैं वीडियो बना करके दूंगा। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, और टैबलेट फॉर्म में एक टैबलेट आती है 10 mg की, इसके अलावा 15 mg की टैबलेट भी आती है। वेटनरी की ज़्यादातर 10 mg वाली टैबलेट चलती है। इसके अलावा बड़ी बोलस के रूप में 80 mg की बोलस भी आती है। तो कई कंपनियां जो है वो आजकल 100 mg की बोलस भी निकाल रही है, यानी ये बोलस फॉर्म में भी आपको मिलता है। इसके अलावा इसका 8% सॉल्यूशन जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। तो भाई लिक्विड फॉर्म में यानी कि सिरप फॉर्म में भी ये आइवरमेक्टिन मिलता है। लेकिन सभी फॉर्म में याद रखिएगा इनकी जो डोज है वो 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ही लगाई जाती है। ये विशेष बात है जिसको हमें ध्यान रखने की है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन जो सॉल्ट है भाई, इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये प्रेगनेंसी में पूर्ण रूप से सेफ नहीं है। कई भाई जो है, कई पशु चिकित्सक जो है वो प्रेगनेंसी में यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में परेशानी रहती है। लेकिन आप विशेष ध्यान दें, रजिस्टर्ड जो वेटनरी प्रैक्टिशनर है उन्हीं की सलाह से ऐसे इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने जानकारी दी और कोई भी पशुपालक भाई या कोई भी इसको यूज़ कर ले, नहीं, ये रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर्स जो हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो अच्छी तरीके से आप समझ लिए। इसके अलावा कई भाई क्या करते हैं कि सर आइवरमेक्टिन से पूर्ण रूप से डिवॉर्मिंग हो जाती है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जो चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आइवरमेक्टिन की जो टैबलेट है वो डिवॉर्मिंग के लिए अच्छी है, लेकिन ये काम करेगी सिर्फ और सिर्फ राउंड वर्म पर, ठीक है। लेकिन वर्म्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये विशेष आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सेकंड बात, अगर हम बोलस दे रहे हैं या सिरप दे रहे हैं, यानी जो पेट में दी जा रही है वो नो डाउट डिवॉर्मिंग करवाएगी। डिवॉर्मिंग का मतलब ही होता है पेट के कीड़े की दवा देना, तो करवाएगी। लेकिन कई भाई क्या करते हैं, इंजेक्शन से सोचते हैं कि इंजेक्शन से डिवॉर्मिंग हो जाएगी, तो कंप्लीटली डिवॉर्मिंग इंजेक्शन से नहीं होगी, क्योंकि रूमन में जहां पर कचरा भरा है, इतना बड़ा रूमन है 1 क्विंटल कैपेसिटी का, तो वहां पर जहां कचरा भरा है वहां आइवरमेक्टिन काम नहीं करेगा। इसका मतलब पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। किसमें? डिवॉर्मिंग में। इसके अलावा इसको किसी भी अन्य दवा के साथ मिक्स करके नहीं लगाया जाता। मिक्स करना बहुत ही बड़ा एक खतरनाक मैटर हो सकता है। मिक्स करके लगाने से कई बार पशु की जान भी जा सकती है। ये थोड़ा जलन करने वाला है, इसलिए इरिटेंट है, इसलिए आप जो ही चमड़ी में लगाते हैं अच्छी तरीके से रबिंग करवाना होता है, मालिश करवानी होती है, नहीं तो इसकी गांठ बन जाती है। गांठ की भी इसकी बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। तो इस तरीके से आइवरमेक्टिन को यूज़ किया जाता है। अब अगर निवेदन करेंगे, इस वीडियो पर अच्छा प्यार देंगे, तो भाई हम आपके लिए अलग अलग जितने भी ब्रांड्स हैं उन पर वीडियोस लेके आएंगे। इसके अलावा हमारी एक फार्माकोलॉजी की क्लास चलती है, वो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर चलती है, जिसमें क्या करते हैं, ये जो छोटी सी छोटी जानकारियाँ हैं उन छोटी जानकारियों को एक विस्तृत रूप में, जो कि वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, विस्तृत रूप में पिरो करके और हम पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों के लिए लेके आते हैं, और उनमें किसको कब, किसको कहाँ, कैसे, सारी जानकारियाँ समाहित होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो रामावत एनिमल ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, 1234 OTP लगा करके आप इजीली उसमें आ सकते हैं और अपनी क्लास को, अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।